नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेरा सच्चा सौदा में। एक और महिला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आइए इनसे जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, इनका क्या मानना है। नमस्कार मैम, आपका नाम? रोमी। मैम आप कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? आज लगभग 34.5 साल हो चुके हैं कि जब से हम डेरे में जुड़े हुए। मैम क्या प्रोफेशन है, मैम आप क्या करते हैं? मैं एक टीचर हूँ। आप एक टीचर हैं। डेरा सच्चा सौदा में लड़कियों की सुरक्षा कैसी है? डेरे में जो लड़कियों की सुरक्षा है, हमसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं यहीं पर ही पढ़ी हूँ। जब से हमारा पूरा बचपन यहीं गया है, आज भी हम यहीं पर ही आ रहे हैं, बीच यहीं पर जॉब की। और जहाँ इतनी, मैं बाहर वालों को भी यही कहूँगी कि जो भी आप, जितनी लड़कियों की यहाँ सेफ्टी है ना, कहीं और कहीं भी नहीं मिल सकती। आज लोग ये बोलते तो हैं कि यहाँ सेफ्टी नहीं है, बट अंदर से उनको यही है कि हमारा बच्चा यहीं पर पढ़े, यहीं पर लिखे, यहीं के संस्कार आए, और ऐसा करेक्टर कहीं पे डेवलप नहीं हो सकता जो यहाँ डेरा सच्चा सौदा में डेवलप होता है। मैम फिर संची के ऊपर ऐसे एलिगेशंस क्यों लगाए गए? मीडिया में 4 साल पहले काफ़ी कुछ दिखाया गया था, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं उन लोगों के लिए कहती हूँ जो ऐसा गलत सोचते हैं, पता नहीं भगवान कहाँ उनको ऐसे देन देंगे वो लोग। बट जो मैं ये कहना सिर्फ यही कहूँगी, जो यहाँ लड़कियों की सुरक्षा है वो दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लड़कियाँ और कहीं सेफ नहीं है जो डेरा सच्चा सौदा में सेफ है। मैम इतना दृढ़ विश्वास कैसे है आपको डेरा सच्चा सौदा के प्रति? मैम जैसे आप देखते हैं कि मैं बिल्कुल, जैसे मेरा बचपन शुरू हुआ, मैं यहीं से जुड़ी, यहीं पर पढ़ी, यहीं पर लिखी। हमारे गुरुजी हमारे बाप भी बने, हमारी माँ भी बनी, हमारे भाई बहन दोस्त, हर तरीके से उन्होंने हमें इस तरह से बनाया, हमें इतने अच्छे संस्कार दिए। और आज मैं गुरुजी से भी यही अरदास करती हूँ, आप जल्दी से आएँ, हमारे बच्चों को भी हमारे इस तरह से करैक्टर उनका भी डेवलप हो, कि जो आप जैसे शिक्षा दे सकते हैं हम ऐसे नहीं दे पा रहे हैं, कि आप जी आएंगे तभी हमारे बच्चे पूरे और सुरक्षित हो जाएंगे। मैम समाज के लिए संजी ने क्या कार्य किए हैं? बहुत कार्य चलाए, अब 137-138 कार्य हो चुके हैं। सफाई अभियान चलाए और बहुत बहुत किया है। अब जैसे कोरोना काल में बहुत जैसे लेटर्स आए और संगत लगातार जुटी हुई है उनके यही कार्य करने में। मैम संत जी जैसे अभी पैरोल पे आए, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पैरोल पे आए हम तो अब दर्शनों की मांग कर रहे हैं। हम पूरी कितनी दुनिया है जो इतनी तड़प रही है कि एक बार तो उनके दर्शन हमें कराए जाएँ। हम गुरुजी से भी यही अरदास करते हैं, पिताजी आप जल्दी आइए और प्लीज़ हमारी अरदास सुन लीजिए। बहुत तड़प लिए हम, हमें लगभग 5 साल हो गए हैं, 4-5 साल नहीं, बहुत मुश्किल। मैम आप समाज के लिए क्या कहना चाहोगे जिन्होंने मीडिया की अफवाहों पर विश्वास करा, जो मीडिया ने दिखाया वो देखा, आप समाज से क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं समाज से यही कहूँगी कि ऐसे धोखों में मत आए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने देखना ही है सच, आप भी आइए डेरा सच्चा सौदा के दरबार, हमेशा सबके लिए ही खुले हैं और खुले ही रहेंगे। मैम आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे संत जी के लिए? मैं यही अपील करना चाहूँगी, हमारे संत जी बिल्कुल निर्दोष हैं, जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आप भी सच का सामना करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों देखिए इनका यही कहना है कि ये वो संस्कार, जो मोटिवेशन, जो संस्कार पिताजी इन्हें सिखाते थे, बच्चों को देते थे, वो ये अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को खुद भी नहीं दे पाते। इनका कहना है कि संजीव जल्द से जल्द समाज में, और उनके ऊपर जितने भी आरोप, जितने भी एलिगेशंस लगाए गए वो सब गलत हैं, और कंटिन्यू पब्लिक की यही डिमांड है कि संजीव समाज में वापस आने चाहिए। आप भी इस बारे में ज़रूर सोचिए और अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए हमारे साथ द फैक्ट टाइम।